हाँ फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच आई एम गेटिंग मन मोर अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू अभी uh, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर के जो मेजर हमारे कंसर्न्स हैं आज के वक्त में लेकिन इसके अलावा मैं अपने हम वतन से ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी कश्मीर में किया गया किया जा रहा है जो भी हो रहा है उसके नतज कश्मीर के लिए बहुत नुकसानदेह तो है ही लेकिन हमारा अंदेशा है कि मुल्क की सालमियत के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह रहने का एहतमाल है बदकस्मती ये है कि कश्मीर इशू को कश्मीर क्वेश्चन को रिड्यूस किया गया है इस रिजीम ने रियल एस्टेट्स इशू बनाकर उस लेवल पर और हमारी नज़र में आज की सूरत हाल को देखते हुए कश्मीर एक बड़ी ह्यूमन ट्रेजिडी में बदल गया है इट्स अ ह्यूमन ट्रेजिडी और वो इसीलिए कि अभी आपको बताया गया कि सीनियर लीडर्स वेदर दे हैव बीन चीफ मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स लेजिस्लेटर्स पब्लिक फंक्शनरीज़, दे आर पुट इन जेल और वो भी एक ड्रकोनियन लॉलेस लॉ के दायरे के अंदर पब्लिक सेफ्टी एक्ट और फिर मजाक ये इनकी बैंक करपसी एट एवरी लेवल इस बात से जाहिर हो रही है हाकिमों की बैंक्रप्सी क्या अब यह भी इल्जाम है क्या आपने पीक मिलिटेंसी में इतने वोट क्यों लिए और यह भी बैंकप्सी की इंतहा है कि अब उस रंग के बारे में सवाल खड़ा किया जा रहा है जिस रंग को लेकर वो आज तक पूरे देश के अंदर सौदा भेजते रहे अलायंस थी उनकी कल तक झंडा उनका लेकर गए थे तब ऐतराज नहीं था और आज ये भी अगर आप पूरा वो खाका देख लेंगे महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जो एतराज हैं ग्राउंड सब डिटेंशन है उसमें किस कदर इंसल्टिंग डैडी की लड़की कोई ईरानी वगैरह इस किस्म के जुमले ऐसी रिपब्लिक में एक इलेक्टेड लीडर के बारे में एक सिटीजन के बारे में आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि बैंक्रप्सी की लेवल कहां पहुंच गई है आज के रिजीम की आज के लीडरशिप की और इसीलिए हमारी ये और बदकिस्मती है कि डेमोक्रेसी के इशू को और नेशनलिज्म को इनकम्पेटिबल के सियत से पेश किया गया है एज इफ दिस इज इन कंट्रेडिक्श विद ईच अदर कश्मीर के अवाम में हम मैंने पहले भी बताया हम यही डिमांड करते रहे हैं सी पी आई एम बार बार कि जम्मू कश्मीर को भी हक है एक डेमोक्रेटिक uh, स्ट्रक्चर का जम्मू कश्मीर में भी वहाँ के जनता जो है उनको हक है कि वो डेमोक्रेटिक राइट्स का फायदा उठाए जो हमारे रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हैं लेकिन आज तक और खास तौर पर जब से ये बीजेपी की रजीम आई है शिद्दत पैदा कर दी है उन्होंने और देश के अंदर ऐसा कुछ तासुर पेश किया गया है जैसा मुल्क को खतरा है अगर वहां जमहूरियत नाम की कोई चीज जिंदा रहे मैं हैरान हूं और आज भी ये डर क्यों लग रहा है इनको अगर ये पार्लियामेंट में पार्लियामेंट से बाहर कह रहे हैं कि भाई हालात नॉर्मल हैं कोई मरा नहीं यही बात बार बार दोहराई जाती है इलेक्शन क्यों नहीं कराते इलेक्शन कीजिए और फिर उस वक्त देख लीजिए मैं तो आज दहली के आवाम को कश्मीर की तरफ से भी मुबारकबाद देना चाहूंगा इस अंधेरे में कुछ उन्होंने उजाला कुछ रोशनी दिखाई यहां की जनता ने यही इस वजह से और यही हम समझते हैं कि हम वी वॉन्ट बी पार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी ये जो पेश किया जाता है कश्मीर को एज इफ ना वहां सब पाकिस्तानी है सब कुछ सब उग्रवादी है यह बहुत ही ज्यादा गैर हकी, गैर हकीकी बात है जादती है आवाम के साथ और इसीलिए आज हमारी यही गुजारिश है आपने हम वतनों से कि वो आवाज उठाए कश्मीर के लिए कश्मीरी अवाम के लिए दूसरा किस कदर नुकसान हुआ है मुझे अगर जनरल सेक्रेटरी साहब इजाजत दे तो मैं एक बात कहूँ यार ये बार बार क्या पब्लिक सेफ्टी एक्ट किसी को रहा करो घर के अंदर बंद करो और फिर थानों में बंद कर लो अब ये लोग अभी इन्होंने कहा कि यहाँ से ये जो डिप्लोमेट्स गए हैं जाना आना ठीक है लेकिन जाएंगे कहाँ कौन सी जगह आप सैर सयाहत की रही है जहाँ वो रहेंगे क्योंकि गेस्ट हाउसेस तक उनको भी जेलों में तब्दील किया गया है जगह भी नहीं है तो इजाजत लेता हूँ आपसे अगर मैं ये गुस्ताखी करूँ ये मुतालबा करूँ कि कश्मीर को ये सरकार नोटिफाई क्यों ना कर ले एक सेंट्रल जेल के तौर पर न फिर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना होगा न फिर वन जीरो सेवन लगाना होगा ना घर के अंदर रखना होगा न बाहर रखना होगा नोटिफाई अ सेंट्रल जेल ये कर सकती है ये सरकार जिन्होंने वो किया पांच अगस्त को ये भी किया जा सकता है मेरी गुजारिश है कोई अपील नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नो वी डोंट हैव एनी ट्रस्ट एनी फे कम्फर्ट में लेकिन इस मुल्क के विजडम पर भरोसा है जो बार बार जिसका इजहार किया जा रहा है जैसा कि कल दिल्ली के लोगों ने इजहार किया भरोसा है कि इंसाफ मिलेगा इस बड़ी अदालत में मुझे ये बताइए आप अपने अखबार वाले हैं सारे मीडिया वाले पूछ लीजिए वहां जाकर मैंने पहले भी बताया था बार बार उनको अखबार वालों को मीडिया पर्सनल को थानों में बुलाया जाता है पूछने के लिए आपकी ये न्यूज है ये सोर्स कहां से है यानी फिर आप फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते यह आपके कोलीग्स का हाल है वहां और इसीलिए मैंने कहा था कि वहां वर्चुअली जो सारे अखबार हैं वो गैजेट बना दिए हैं ये सरकार ने वहां सरकारी गैजेट और इसके अलावा बाकी इकोनॉमी का क्या हाल है टूरिज्म का और इस टूरिज्म के साथ जुड़े हुए आम शहरी और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का क्या हाल है वीवर्स का क्या हाल है आर्टिजन क्या, क्या हाल है कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स उनका हाल क्या है और लास्ट ईयर अनप्रेसिडेंटेड स्नोफॉल हुआ अनप्रेसिडेंटेड इसलिए दरखत भी टूट गए और यहां से किसान लीडरों का डेलीगेशन भी गया वहां उन्होंने खुद मुख्तलिफ जगहों पर जाकर देखा कि किस कदर नुकसान है यहां आकर उन्होंने मुतालबा भी किया सरकार से मिले भी कि इसको नेशनल कैलमिटी करार दिया जाए नहीं किया बल्कि जो लास्ट ईयर स्नोफॉल की वजह से कुछ नुकसान हुआ था ग्रोवर्स को जितना तब रिलीफ मिला इस साल 2000 कम कर दिया ये सिला है सरकार का यह रवैया है आपने अपने, अपने लोगों के साथ क्या कुछ रिलीफ के तौर पर और जम्मू में भी यही हाल है वहां किसानों के जो पैड़ी की फसल है वो बर्बाद हो गई बारिशों की वजह से छत्तीस मिनिस्टर भेज दिए थर्टी सिक्स और थर्टी सिक्स में इकतीस जम्मू भेज दिए पांच श्रीनगर भेज दिए मैं तो सिर्फ यह पूछना चाहता हूं आपकी वसात से जो इकतीस जम्मू गए उन किसानों का क्या बना आपके जाने से क्या राहत मिली जिनकी फसलें तबाह हो गई आज जम्मू रो रहा है जैसा कि उन्होंने कहा ले और करगिल दोनों रो रहे हैं वो इसलिए रो रहे हैं वो ये कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी बचनी चाहिए जो महाराजा हरी सिंह के वक्त में प्रोटेक्शन थी स्टेट सब्जेक्ट कानून बनाकर लैंड के सवाल को लेकर एम्प्लॉयमेंट को सवाल को लेकर हमें वो प्रोटेक्शन वापस चाहिए ये डिमांड कश्मीर की डिमांड ही नहीं है ये डिमांड लेह के बुद्धिस्टों की भी है करगिल के मुसलमानों की भी है जम्मू के सारे लोगों की डिमांड है मुशरक तौर पर और जैसा कि उन्होंने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है कई लोगों की तरफ से जो उन्होंने 5 अगस्त को फैसले लिए गए एब्रोगेशन के और जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को मुकम्मल ख़त्म करके आ, ये एक जेर बहस है इल्तवा में है वहां ये तो इस वजह से सरकार को जल्दी नहीं करनी चाहिए लैंड अलाटमेंट की लैंड को इधर उधर करने की यह हमारी मांग है और इसके अलावा जहां तक इंटरनेट की सहूलियत का ताल्लुक है आप कभी यहां आजमाइए ये टू जी वाला मसला और फिर देख लीजिए अभी तक जो हमारे नौजवान हैं जिनकी पढ़ाई का दार मदार भी इंटरनेट पर है वो जो एप्लीकेशन दे वजीफे के लिए वो भी गवर्नमेंट स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन नरेगा से लेकर हेल्थ के जो भी स्कीमें हैं आ, उनको अमलाया नहीं जा सकता है अगर इंटरनेट की सहूलियात मैसर ना हो क्या है उनका रिकार्ड क्या है उनकी इंप्लीमेंटेशन आज तक सरकार को कम से कम देश के लोगों के सामने बताना पड़ेगा मेरी एक लास्ट गुजारिश है गुजारिश यही है हम ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी बहाल हो और आ, ये जो सिलसिला है इनका पकड़ दकड़ का ये कहीं इस पर पछताना पड़ेगा और साथ ही साथ मैं अपने हमतों से ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी तालियां बजाई कश्मीर की बेइज्जती पर पांच अगस्त को पांच अगस्त का जो असाल्ट हुआ दैट वाज वर्चुअली पुटिंग द होल कम्युनिटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ेशन की लेवल पर लाया गया बेइज्जत किया गया और जिन्होंने क्लैपिंग की जिन्होंने तालियां बजा दी उनको पछताना पड़ेगा ये एक शहरी होने की हैसियत से मैं कह रहा हूं और बाकी हम वतनों से अपील कर लूंगा एक ही गुजारिश है इस सरकार को जवाबदेह बनाने की जरूरत है कहीं देर ना हो जाए बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया इलेक्शन वाई नॉट इलेक्शन इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस हम इलेक्शन की बात जरूर कर लेंगे और यह सरकार नहीं कर लेंगे मुझे पूरा उम्मीद है डर है इनको अभी दिल्ली में जो खुदवाजल no, no. like आप अगर पार्लियामेंट के चुनाव करवा सकते हैं असेंबली को आपने डिजोल्व कर दिया तो वाई नॉट द असेंबली इलेक्शन इफ द कंडीशन आर गुड टू होल दार्लियामेंट इलेक्शन हाउ आर द कंडीशन नॉट गुड टू होल दसेंब्ली इलेक्शन They should have been held simultaneously. So, why they were not held simultaneously? Now you know, subsequently, what all happened because of that. They had to keep the uh, assembly not only suspended but dissolved. So, elections, are, I mean, unless you have a public authority and people's mandate, no such decisions, like I said earlier allocation of land, I mean, everything else that they're doing, I mean, nothing of that has got any legal sanctity.